फाइनली दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यानी कि दोस्तों इसमें आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट करना है। आप सरकारी कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट कर लीजिए, और आपको इसमें पेमेंट भी करना है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं ऑनलाइन काउंसलिंग आपको कैसे करना है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे कॉलेज को चयन करना है, पेमेंट कैसे करना है, कोई भी गलती आप ना करें ताकि आपको सही जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कॉलेज मिल पाए और सही दोस्तों आपका जो मेट लिस्ट में नाम आ पाए फाइनल वाले में, ताकि अलॉटमेंट लेटर आएगा फिर आप एडमिशन ले पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं, लिंक आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि बिहार बीएड का काउंसलिंग कैसे करना है ऑनलाइन के माध्यम से। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाला जो भी हमारा वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे वेबसाइट पे आइएगा और एडमिशन में आर्टिकल मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आने के बाद हर एक जानकारी डिटेल्स में दिया गया है और आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है 11 जुलाई से लेके यहां पे 20 जुलाई तक चलने वाला है। मात्र 10 दिन का टाइम दिया गया है। अब बाकी आप काउंसलिंग का शेड्यूल समझ सकते हैं, प्रथम चयन सूची कब आने वाला है, द्वितीय कब आएगा, तृतीय कब आएगा, क्योंकि काउंसलिंग जैसे खत्म होता है तो आपको जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। इसी मेरिट लिस्ट में आपका जो कॉलेज प्राप्त होगा जिसमें नाम आएगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक टू देख सकते हैं। यहाँ पे टू काउंसलिंग के लिए लिंक है, क्लिक हियर पे क्लिक करें, इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी पासवर्ड कौन सा डालना है, जिससे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, हर एक चीज आपको इसी से हुआ था। अगर याद नहीं है पासवर्ड फॉरगेट कीजिएगा और ईमेल आईडी डाल के आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम इसे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले रैंक है, सब कुछ है ही, यहाँ पे मार्क्स वगैरह कितना आया है यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है गो फॉर कॉलेज प्रिफरेंस, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यही दोस्तों, आपको जो है कॉलेज प्रिफरेंस यहीं से डालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या डालना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कॉलेज आपको 3 डालना है और मैक्सिमम आपको 9 कॉलेज डालना है, आप अपने अनुसार। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में दोस्तों आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कीजिएगा जहां से आप पढ़ाई। आप अपने नियर बाई वाला भी डाल सकते हैं कि मुझे बीएड करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, मुझे करना है बिहार से, बिहार यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी हो, कोई भी जो भी यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करते हैं उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे तिलका मांझी भागलपुर डाल दिए और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आता है ये सबका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होगा, देख लीजिए एक नंबर में गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है, तो आप अपने प्रिफरेंस के अनुसार अपने रैंक के अनुसार यहाँ पे आप अपना कॉलेज चयन कीजिएगा। कॉलेज डालने के बाद दोस्तों एड टू लिस्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे एड टू लिस्ट पे क्लिक करना है। फिर इसी तरीके से आपको अदर यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं या सेम यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं फिर से आपको इसी में लिस्ट में जो है एड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलेज कर दिया है, मैक्सिमम 9 करना है। अब हम दूसरे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ललित मिथिला यूनिवर्सिटी कर लिए और उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज यहाँ पे आएगा सबका लिस्ट आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे हम 9 कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पे अब हमारा ये जो है कॉलेज जो है हमने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी सेलेक्ट किया है, ओमन कॉलेज भी किया है, प्राइवेट कॉलेज भी किया। आप अपने अनुसार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, जिसमें भी आप पहले अगर अच्छा रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही कीजिएगा पहला प्रेफर, उसके बाद अपने अनुसार अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और आपको दोस्तों यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये जो है सेव हो जाएगा। सेव हो गया, अब आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ जानकारी, यहाँ पे अगर आपका सही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे हम चेक कर लिए और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पेमेंट, आपको देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको जूम करके भी बता देते हैं, अगर यहाँ से नहीं कर पाए तो होम पेज पे भी लिंक दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये जो है यहाँ पे पेमेंट का डिटेल्स आ गया और पेमेंट के डिटेल्स में देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको पेमेंट 750 रुपया इनका लगने वाला है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, आपको पहले ही बताया था कि 500 से लेकर 1000 रुपया तक यहाँ पे रखा गया। जनरल वाले को 1000 रुपया है, एसटी एससी को दोस्तों यहाँ पे 500 रुपया है। तो ये यहाँ पे हम ये वाला हो गया और ऑनलाइन टाइप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI जो भी जिस चीज से आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, SBI नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके प्रोसीड टू पे पे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है और पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं SBI का नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे एसबीआई का ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना पड़ेगा, सामने में ये सक्सेसफुली पेमेंट हो गया देख सकते हैं यहाँ पे हमारा। और पेमेंट होने के बाद दोस्तों अब देखिए ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये रीडायरेक्ट कर दिया और यहाँ पे पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे हम आपको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पे पेमेंट आईडी वगैरह दिया हुआ है। अब आपको जो है देख सकते हैं बैक टू माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों अब आपको जो है पेमेंट तो आपका हो गया, यहाँ से आप जाए तो देख सकते हैं सारा डिटेल्स। अब आपको जो है लिखा हुआ सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है फिर प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए हम एक बार होम पेज डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सारा जानकारी जो हमने अभी पेमेंट किया वो भी आपको दिखाई देगा। पेमेंट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पेमेंट अभी हुआ है देख सकते हैं पेमेंट टाइप में सक्सेसफुल पेमेंट ये मेरा डन हो चुका है, यानी कि हमने पेमेंट जो किया है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे का प्रोसीजर ये है कि आपको डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे दोस्तों देख रजिस्ट्रेशन तो काउंसलिंग वाला कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस भी हमने डाल दिया था। अब आपको दोस्तों यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स वाले पे इस पे व्यू योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको प्रिंट वाले बटन को क्लिक करना है और इस दोस्तों इस पीडीएफ को प्रिंट कर लेना है यहाँ से। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से आपका प्रिंट हो गया। अब दोस्तों इसको प्रिंट करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको इंतजार करना है मेरिट लिस्ट का, यानी कि जैसे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, यहाँ पे हमने आपको डेट भी बताया था कि डेट जारी हो चुका है, तो ये आएगा आपको देख सकते हैं प्रथम जो है यहाँ पे दिया हुआ है 25 जुलाई को आएगा, तो उसी दिन आपको जो है चेक करना है। और चेक करने के बाद दोस्तों ये 26 जुलाई से 9 अगस्त तक जो है आप एडमिशन जिस भी कॉलेज में आएगा उसमें करा पाएंगे। ऐसे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो वगैरह आते रहेगा और हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, जिससे अपडेट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।